सागर के केसली में धान की जगह भूसा खरीदी घोटाले में समूह संचालिका ऑपरेटर और सर्वेयर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि थाना प्रभारी तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति अधिकारी की जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने इस खरीदी केंद्र को संचालिका मीणा जैन ऑपरेटर विवेक जैन और सर्वेयर प्रशांत जैन के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद धारा 420, 406, 409 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सागर जिले के केसरी मंडी परिसर में दिगंबर स्व सहायता धान खरीद केंद्र संचालित हो रहा था, जहां परिसर में हजारों बोरियों में किसान से खरीदा गया कथित धान रखा हुआ था, लेकिन एक स्थानीय युवक द्वारा सोशल मीडिया में यह खुलासा किया गया कि बोरियों में धान की जगह भूसा भरा हुआ है, तब हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद मौके पर कनिष्ठ खाद्य अधिकारी पलक खरी तहसीलदार और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच की तो आरोप सही पाए गए। परिसर में रखी लगभग 38,000 बोरियों में धान के नाम पर भूसा भरा हुआ मिला। टीम और मीडिया को देख केंद्र संचालक कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्वेयर सहित खरीद केंद्र के कर्मचारी भाग निकले थे। SDOP पूजा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी केंद्र में भूसा की खरीदी कर बोरों में भरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि धान खरीदी के स्थान पे भूसे के संबंध में कि भूसे की खरीदी कर इसको बोरों में पैक किया जा रहा है, इस तरह की सूचना प्रथम रूप से हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें TI केसली, तहसीलदार केसली, खाद्य कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरी सभी के द्वारा इसमें जांच की गई। जांच करके प्रतिवेदन इसमें कलेक्टर साहब को सौंपा गया, जहां से आदेशित होने के उपरांत इस पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी के मामला कायम किया गया और उसमें विवेचना जारी। किन दिन पर FIR हुई है? इसमें तीन मुख्य आरोपी हैं, जो स्वयं सहायता समूह की संचालिका है मीना जैन, पति नरेंद्र जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन और प्रशांत सैन, इन तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। केसली से सौरभ नगरिया की रिपोर्ट, सागर TV न्यूज़।